नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़ी 21 लाख रुपए की हरियाणा मार का शराब। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने अवैध शराब तस्करों में शामिल एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। नोएडा पुलिस ने आज 4 वाहनों में हरियाणा से तस्करी कर ले जाई जा रही शराब की एक भारी खेप बरामद की है। पुलिस ने 386 पेटी हरियाणा मार्का की अवैध शराब बरामद की है, जिनकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 3 कार और एक पिकअप में भारी मात्रा में शराब हरियाणा से तस्करी कर दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में लाई जा रही है। सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना सेक्टर 20 पुलिस बुधवार सुबह अपनी टीम को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तैनात कर रखा था। इसी बीच सेक्टर 16 रजनीगंधा चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 4 वाहनों को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिन गाड़ियों में से 386 पेटी हरियाणा मार्ग का शराब बरामद की गई और मौके से 3 शराब तस्कर पकड़े गए, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक है और नए वर्ष के उत्सव का वक्त भी करीब आ गया है, जिसके कारण पुलिस अलर्ट है। इस बीच यह भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि शराब तस्करी का मुख्य सरगना कमल किशोर उर्फ केपी सिंह है, जो कि दिल्ली व गुड़गांव से अवैध शराब लेकर नोएडा व गाजियाबाद में सप्लाई करता है। पूछताछ में यह भी पता चला कि ये शराब तस्कर नोएडा दिल्ली बॉर्डर के आसपास पार्किंग की जगह ढूंढकर वहां अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और वहां से छोटी छोटी गाड़ियों में शराब की पेटी ले जाकर नोएडा दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 4500 लीटर हरियाणा मार्का शराब, 4 वाहन, 6 मोबाइल फोन व 40,300 रुपए बरामद किए गए हैं। डीसीपी नोएडा ने पकड़ने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो रजनीगंधा चौराहे के पास से गिरफ्तारी की गई है इनकी, और इनका नेटवर्क मुख्य रूप से दिल्ली है। ये गुड़गांव से शराब लाते थे और इनका जो 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनमें से एक अभियुक्त का पिता, जिसका नाम केपी है, कमल किशोर, ये दिल्ली का शराब माफिया है, जिस पर 27 मुकदमे हैं और वर्ष 2090 में पहली बार उसके विरुद्ध दिल्ली में अभियोग पंजीकृत हुआ। इनसे जब अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो मान चले गुड़गांव से शराब लाते थे, किस स्थान से लाते थे इस बारे में जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनका पिता वहाँ संपर्क करता था और इनको मोबाइल नंबर देता था, और गुड़गांव में जो इनको सप्लाई करने वाले हैं वो रोड पे इनसे मिलते थे, वहीं पे शराब का एक्सचेंज होता था और ये लेके विभिन्न मार्गों से एक ही रास्ते से नहीं आते थे ताकि पकड़ ना जाएं, ये कभी फरीदाबाद होते हुए कभी अन्य माध्यमों से एक जगह इकट्ठे होते थे और उसके बाद जाकर दिल्ली बॉर्डर क्षेत्र में एक जगह एकत्र होकर फिर वहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ये सूचना थी कि अभी ये सारे लोग आके रजनीगंधा चौराहे पे और इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे, सूचना पे पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 386 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसका अनुमानित मूल्य 21 लाख रुपये है। 4 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जिनमें 3 कारें हैं, एक महिंद्रा पिकअप है। इसमें 3 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक केपी और उसका एक नामजद साथी जिसका नाम मनोज है, और 3 अज्ञात अभियुक्त ये फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जाएगा। ये भी जानकारी जी, टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।